दक्षिणपंथी आंदोलन और फासीवाद। इस माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावित होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग का था, जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल थे। यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध था, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग के व्यवसाय घाटे का सामना कर रहे थे। 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग था। किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी, छोटी दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था, क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे, जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाला मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ। 1925 के बाद और विशेषकर 1929 की महामंदी के बाद यह मध्यम वर्ग राजनैतिक रूप से सक्रिय होने लगा। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसी सब बातों के विरुद्ध था और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह के विचार फासीवाद विचार कहे जाने लगे। इन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई फासीवाद पार्टियां उभरने लगीं। फासीवाद कई प्रकार के थे, मगर उनमें कुछ बातें समान थीं। पहला, वे अति राष्ट्रवादी थे। वे यह जताते थे कि राष्ट्र ही थी एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। दूसरा, वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार का द्वंद्व या संघर्ष, जैसे वर्ग संघर्ष, राजनैतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे, ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तय करके सब पर थोपे। तीसरा, वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनैतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे। चौथा, वे लोकतंत्र विरोधी थे। फासीवादी यह मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। पांचवा, वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर संभालना है या समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए आदि। समानता, सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते। सिक्स, वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। फासीवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है और वह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर होता है। लोगों तक संदेश पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए राज्य के मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया जाता है। सातवां, जर्मनी जैसे देशों में फासीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी पार्टी 1919 से सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधी भीड़ के द्वारा कार्यवाही की पैरवी करती थी। फिर भी 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्जा जमाना था। इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनैतिक दलों
व मजदूर संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फासीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फासीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई।